वो अपना प्रचार खूब करता है। हम तो कई कई राज्य का देखे हैं कि यहाँ पर जो मृत्यु हो जाती है कोरोना से, उसको हम लोग पहले ही दौर से पिछले ही साल से 4 लाख रुपया दे रहे हैं उनके परिवार को। आज देखते हैं हम अखबार में कितना विज्ञापन छपता है, यहाँ पर कोई जगह से 50,000 दे रहा है उसका विज्ञापन छपा हुआ, तो हम लोग तो नहीं कर विज्ञापन छपाते, हम इस सब पैसे का उपयोग हम नहीं करते। नहीं तो पता चले अभी पूरे देश के सभी अखबारों में अगर हम लोग विज्ञापन छपवा दें कि हम लोग कब से दे रहे हैं 4 लाख रुपया, तो क्या स्थिति बाकी जगह पर शुरू हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तो हम तो प्रचार प्रसार नहीं करते, लेकिन आप समझ लीजिए सच्चाई। और जितने जो प्रभावित लोग थे उनके बारे में जो जानकारी थी और हुआ कि नहीं साहब, ये तो हम देते हैं धन्यवाद कि लोगों को हुआ कि नहीं साहब, इसको हम लोग एक बार फिर गौर से देखें कि कहीं कोई मृत्यु हुई और उसकी जानकारी ठीक से नहीं हो पाई, लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया, तो ये भी काम करवाया गया। और पूरे तौर पर जिनकी सूचना पहले मिलती थी उनको तो सब कुछ दिया जा रहा था, लेकिन जिनकी सूचना नहीं मिली थी उस सूचना को प्राप्त करने के लिए भी किया गया। और कल भी एक व्यक्ति आए हमारे यहाँ जिस दिन जनता के दरबार में मुख्यमंत्री वाले कार्यक्रम में, कहा यहीं का रहने वाला है और उसके पत्नी का, उसका खुद ही दिल्ली में इलाज कराया था और उसकी पत्नी भी गई थी उनकी, लेकिन ये बच गया और पत्नी का निधन हो गया। वाले ने बताया कि उनको नहीं मिला, तो तत्काल हमने तुरंत कहा अपर मुख्य सचिव को कि भाई हमारे बिहार के लोग, अगर बिहार के बाहर इलाज में उनकी मृत्यु हो गई तो हम लोगों को तो 4 लाख रुपया उनको भी देना ही देना है जो हमारे बिहार के लोग हैं। तो ये भी कर भी हो गया, कोई किसी तरह से कोई चीज मिस नहीं कर जाए, छूट नहीं जाए। तो हम लोग तो इस तरह से काम करते रहते हैं।